ट्रेंडिंग वर्ड्स हैपनिंग गाइस। तो गाइस आज हम लोग हैं माइनक्राफ्ट में, और गाइस यूट्यूबर्स के ऊपर तो बहुत सारे मोड बनते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे पाडे भाई का भी एक मोड है मेरे पास, और लाइव इंसान का मोड है। सब तो सिंपल मोड रहते हैं, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे मोड्स बनाने वाला हूँ जो यूट्यूबर्स के ऊपर रहेंगे और वो इंटरेस्टिंग में रहेंगे, यानी कि इविल मोड्स ऑफ यूट्यूबर्स। बहुत मजा आएगा आज के मोड्स बनाने में, और गाइस मोड्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है। तो भाई ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस मैं मोड्स बनाने के लिए कुछ यूट्यूबर्स को चुना हूं जिनका नाम है टेक्नो गेमर चपाटी भाई, लॉगी भाई और मितपट भैया। तो मैं सबसे पहले वही मोड को चुना जो सबसे हार्ड होगा बनाने के लिए, यानी कि टेक्नो गेमर्स मोड। मेरे को इविल मोड बनाना था, थोड़ा सा ड्रामा होना चाहिए था, तो मैं टेक्नो गेमर्स को और हीरो ब्रेन को मिला दिया। आधा हीरो ब्रेन का सही होगा और आधा उज्जवल भैया का सही होगा, यानी कि उनका स्किन का। तो सबसे पहले तो मेरे को स्किन बनाना पड़ा, जिसमें को बनाने में भाई एक दिन तो लग ही गया था। मेरे को हीरो ब्रेन को पूरा आधा सेल बनाना पड़ा, और जो ऊपर से कैप वगैरह था उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर मैंने सबका स्किन बना लिया, यानी कि टेक्नो गेमर्स और हीरो ब्रेन का स्किन साथ मिला के एक इविल सा स्किन बना लिया। मेरे को ड्रावना ड्रावना मोड बनाने थे, इसलिए ऐसा ही किया हूं मैं। मेरे को अच्छे से बनाना था स्किन, उज्जवल भैया और हीरो ब्रेन को मिक्स करके बनाना था, वो थोड़ा हार्ड था, और मैं अलग से जाकर देख रहा था हीरो ब्रेन को, और फिर आके बना रहा था, उसमें कलर्स भर रहा था, और मैं एक एक जगह भर रहा हूं। मैंने स्किन तो बना लिया था, उसमें पावर्स देने थे, उसको कैसे चलना है, क्या एनिमेशन रहेगा उसका, क्या आवाज आएगा चलने में, वो सब भी भरना था। उसको पावर्स भी देने थे, मेरे को हीरो ब्रेन वाला पावर देना था, क्योंकि वो उसमें हीरो ब्रेन भी तो है। हीरो ब्रेन वाले पावर्स यानी कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है, अगर आप कोई भी घर के अंदर जाकर बैठ जाते हो तो वो ब्लॉक्स भी तोड़ सकता है, ब्लॉक्स तोड़ के आके आपको मारेगा, और आप डोर भी लगा देते हो तो डोर भी वो तोड़ देगा, ब्लॉक्स भी तोड़ सकता है वो, यहां तक ऑब्सीडियन भी तोड़ सकता है ये मॉब। ये बहुत शक्तिशाली मॉब, मैं ये मॉब को बना रहा था और ये डेंजरस था भाई, ये दूर से आपको देखेगा भी, अगर ये आपके वर्ल्ड में आ जाता है तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे चीजें भी होंगी, यानी कि आप जल सकते हो, कहीं भी आपको जला सकता है। चलो भाई डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। तो ये वाला स्पॉन है क्या हीरो ब्रेन उज्जवल वाला, और इसको हम स्पॉन करते हैं, तो यही देखो क्या ऐसा स्किन बनाया है तूने स्पीजी, सब लोग यही बोलेंगे, लेकिन मैं अच्छा सा स्किन बनाया था, ये देख लो भाई मैंने पूरा अच्छा स्किन बनाया है। बात तो सही है पर माइनक्राफ्ट वाले मेरे से दुश्मनी की है और ये मेरे को दिया है, मैंने अच्छा से बनाया स्किन, अच्छा से लगाया, और फिर माइनक्राफ्ट वाले इसको निकाल दिए। कोई बात नहीं, हम तो इसका कैप निकाल दिए और आधा शरीर दे दिया हीरो ब्रेन का, पर चलो पूरा स्किन यहाँ पर नहीं आ पाया, पर इसके पावर्स वही है। हीरो ब्रेन अगर आपके वर्ल्ड में रहता है, हीरो ब्रेन वो वाला हीरो ब्रेन नहीं, हीरो ब्रेन उज्जवल वाला, अगर आपके वर्ल्ड में हीरो ब्रेन उज्जवल वाला मॉब स्पॉन हो जाता है, अगर कहीं से भी आ जाता है, अगर आप ये मॉब डालते हो अपने वर्ल्ड में उज्जवल भैया वाला, अगर ये मॉब आपके वर्ल्ड में आ जाता है, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखने को मिल जाएंगे सैंड बायोम में, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखो, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, और ऐसा भी स्ट्रक्चर दिख सकता है, ये बहुत रेयर है, अगर ये मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। अब लगता है हीरो ब्रेन ने ट्रैप लगाया है, हीरो ब्रेन उज्जवल वाला ये ट्रैप भी लगा सकता है, अगर आपके वर्ल्ड में आ जाता है ये तो ट्रैप लगाया भाई पक्का। ओह ये देख लो, अगर मैं यहाँ पर गया तो लावा में गिर जाऊंगा, अगर मैं सर्वाइवल में रहता तो मर सकता था, पर मैं क्रिएटिव में हूँ, मैंने तुझको बनाया। और गाइस लास्ट वाला मोड तो बहुत भयंकर है, तो लास्ट वाला में जरूर देखना, मिडपेट भाई का मोड है वो, और भाई वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। अब चलो सेकंड वाले मोड में। ओके और गाइस जो चपाटी भाई और लॉगी भाई वाला मोड है वो तो बहुत भयंकर है, खासकर लॉगी भाई वाला मोड बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, और चपाटी भाई वाला मोड के पास तो बहुत सारे पावर्स है। जितने भी मैंने मोड्स बनाए हैं सबसे खतरनाक चपाटी भाई वाला मोड है, क्योंकि उसे बहुत सारे वेपन से मार सकते हैं, सारे चीजें से मार सकते हैं चपाटी भाई वाला मोड से। जो चपाटी भाई वाला मोड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके पास सारे के सारे पावर्स है, वो एरो फेंक के मार सकता है, वो हाथ से मार सकता है, वो बम फेंक के मार सकता है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बम से बम फेंक के नहीं मार सकता, पर बहुत सारी चीजें कर सकता है वो। चलो दोनों के दोनों स्पॉन यहाँ पर निकाल लेते हैं, स्पॉन यहाँ पर लिखते तो आ जाएगा, और यहाँ पर ये है इविल लॉगी वाला, और यह है चपाटी भाई वाला, और मितपट वाला भाई वाला हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि मितपट भाई वाला बहुत बड़ा है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम कैसे मान ले? तो गाइस हम लोग
चपाटी भाई को यहाँ पर स्पॉन कर दिया है। और चपाटी भाई वाला मोड ना सबसे ज्यादा भयानक है। इनमें इनका स्किन बनाने में तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस थोड़े से रेड वाले मार्क मेरे को देने थे। ये थोड़ा ड्रामेटिक लगने लगा। ये देखो यहाँ पर चपाटी भाई वाला मोड़ जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके पास बहुत से पावर्स है वो मैं दिखाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर लॉगी भाई को भी दिखा देता हूँ। ये देखो लॉगी भाई, ये दोनों लड़ाई भी करते हैं। ये देखो चपाटी भाई एरो फेंक के मार रहे हैं। ये यहाँ पर हाथ से मारते हुए देखा, हाथ से मार रहे थे देखना, और भाई वो भी इसको मारा भाई। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वाह भाई अपने आप को मार रहे हैं। और गाइस जो लॉगी भाई वाला मोड है वो मैं थोड़ा सा प्लेजर से इंस्पायर होकर बनाया हूँ। प्लेजर वाले स्ट्रक्चर में मैंने लॉगी भाई का स्किन डाला और आईज रेड कर दिए मैंने। इनको क्रॉसबो मिल गया और ये यहाँ पे ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं। और जो प्लेजर आउटपुस्ट होता है वहां पर ये स्पॉन भी होंगे। कोई मेरे को प्लेजर आउटपुस्ट मिल नहीं रहा है भाई। इसको भरते और हम लोग यहाँ पर सर्वाइवल में आएंगे और फिर यहाँ पर सब लोग मेरे को मारेंगे। Well done. तो चलो यहाँ पर हम लोग लॉगी भाई को स्पॉन करते हैं। बहुत सारा मैंने कर दिया और हम लोग चलते हैं सर्वाइवल में। उससे पहले मैं नेदरराइट का पूरा आर्मर पहनने वाला हूँ क्योंकि ये मारेंगे और मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज मिलने वाला है। थोड़ा सा इन लोगों को मारते हुए देख लेंगे। तब तक मैं यहाँ पर नेदरराइट का आर्मर पहनता हूँ। एन्चेंटेड एप्पल भी मैंने रख लिया है। अब जाते हैं सर्वाइवल में। ये देख लो ये सब मेरे को मारना भी स्टार्ट कर दिए। ये सब हाथ से भी मार सकते हैं मेरे को और ये लोग क्रॉसबो से भी मार सकते हैं। अगर मैं कहीं पर जाकर चढ़ जाता हूँ तो ये लोग मेरे को क्रॉसबो से भी मारेंगे। तो रहन दो फिर। अरे भाई अब हट जाओ यार जल्दी, मेरे को बाहर जाने दो। अरे भाई बाहर जाने दो यार प्लीज। ये लोग के पास प्लेजर जैसे पावर से थे इसलिए ये लोग थोड़े से वीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मार दो भाई तुम लोग। मर गया मात। ओके इन लोगों ने मेरे को मार दिया है। अब है लास्ट मॉब का बारी भाई। रुको चपाटी भाई को तो मेरे को दिखाया नहीं। चपाटी भाई को देख लो भाई, वो तो बहुत भयंकर है। मैं चपाटी भाई वाले मॉब को ज्यादा ताकतवर नहीं बनाना चाहता था, पर गलती से मैं बहुत ज्यादा पावर दे दिया चपाटी भाई वाले मॉब को। चपाटी भाई वाले मॉब कभी कदर मारता भी नहीं है प्लेयर्स को। तो जाके सामने देखते है चपाटी भाई वाले मॉब मारता है कि नहीं मेरे को। हेलो चपाटी भाई मारो प्लीज मेरे को। ओ मारा देखा, देखो मारता है। अब जो लास्ट मॉब का बारी आ गया है यानी कि मिडपेट भाई वाला मॉब का। और जो मिडपेट भाई वाला मोड है वो बहुत ज्यादा भयंकर है। ये है भाई, ये देख लो ये रोबोट जैसा है और मिडपेट भाई का यहाँ पर स्मेल भी है और मिडपेट भाई का स्किन जैसे मैं इसको बनाने की कोशिश किया था। आगे से पर्पल है, पीछे से रेड है। अच्छा और ये एक रोबोट है जो मारता है बहुत भयंकर। मिडपेट रोबोट अलग अलग एनिमेशन भी करता है। ये देख लो भाई ये एनिमेशन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। और जो इसका स्माइल है जरा सा मिडपेट भाई जैसा नहीं दिखता है। मिडपेट भाई का स्माइल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हेलो बोलिए। हेलो देखा, हेलो ही बोलता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसे करते हो पसंद आएगी, अगर पसंद आया होगा ना तो जो उसे सब्सक्राइब से कर देना। रुको अगर मिडपेट भाई अगर आपके वर्ल्ड में आ जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे मेटल के ब्लॉक्स भी दिखने लगेंगे और कॉपर के ब्लॉक्स भी। भाई बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है भाई। तब तक लिए बाय बाय।